द्वितीय विश्व युद्ध के बाद रूस यहां तक दबदबा बना लिया था। एस्टोनिया लातविया रूस के साथ थे सब, सोवियत संघ का हिस्सा थे सब, बेलारूस यूक्रेन मोल्डोवा इसी का हिस्सा था। रूस ने अपने मनपसंद की सरकार रोमानिया और बुल्गारिया में बना लिया था। दूसरा, पोलैंड में उसका खूब अच्छा से संबंध था। जर्मनी का आधा एरिया रूस ने कब्जा कर लिया था। ऑस्ट्रिया और ये सब, वियना यूकोस्लाविया वगैरह ये सब को ऑस्ट्रेलिया के किसके प्रभाव में आ गए थे, रूस के। अब सोचिए रूस कहां तक चलाया था, जर्मनी तक। इसी रूस को काउंटर करने के लिए ये सब मिल के बनाया सब नाटो सेना। क्या बनाया सब नाटो। रूस को कम मत समझिएगा यहां पर, समझ में आ गया। लोगों को लग रहा है पुतिन के खिलाफ बगावत हो गया, अरे यार पुतिन का प्लान था तुम्हें पता ही नहीं चला है, समझ में आ गया कि नहीं आएगा। थोड़ा देर से हम बनाएंगे ताकि पुतिन का प्लान सक्सेस हो जाए, हम बीच में काहे को अड़ंगा लगाने जाए पुतिन के प्लान में, एक दो दिन के अंदर उसका प्लान सक्सेस हो जाएगा, हो गया काम खत्म। नहीं समझे, नहीं समझे। हमारे पास चार गो पेन है, एक गो पेन पता है इस ठीक से नहीं चलता है, तो जब इसको प्रैक्टिस सेट करेंगे, प्रीवियस क्वेश्चन लगाएंगे तो इसको सधा के खत्म कर देंगे, बाकी तीन को अच्छा रखेंगे, एग्जाम में काम आएगा। भाई पुतिन ने कुछ सेना को यूक्रेन में सधा दिया, नहीं समझे, समझो। अब आगे बढ़े, पुतिन को अंडर एस्टिमेट करता है लोग, औ कह रहा है सर हमको हथियार नहीं भेजे। अरे तुमको हथियार भेजना ही नहीं था यार, तुमको सधाना था, वहां भेज के सधा दिया। आगे बढ़ते, लड़की लोग को नहीं समझ में आया,